बूंदी महिला थाने के थाना प्रभारी शौकत खान के खिलाफ एक महिला से छेड़छाड़ करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक दिन पहले ही शौकत खान को सस्पेंड कर दिया था। मामले की जांच एएसपी किशोरी लाल मीणा द्वारा की जा रही है। आईजी रवि दत्त गौड़ ने बताया कि पीड़ित महिला का दहेज प्रताड़ना का एक मामला महिला थाने में चल रहा है, जिसकी जांच थाना प्रभारी शौकत खान कर रहा था। महिला द्वारा दिए गए परिवाद के अनुसार उसके साथ थाना प्रभारी ने अश्लीलता की, उसे अपने कमरे पर बुलाने के लिए दबाव बनाया, उसके साथ छेड़छाड़ की। इस मामले की शिकायत उसने एसपी से की थी। इसके बाद यह परिवार उनके पास आया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शौकत खान को पहले सस्पेंड कर दिया और उसके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवा गया इसकी जांच शुरू कर दी है। प्रभारी है शौकत खान, उनके विरुद्ध कल आई साहब के वहाँ महिला परिवार पेश हुई थी, जिस पर श्रीमान आईजी साहब द्वारा एक विभागीय जांच प्रस्तावित की, जिसकी जांच मेरे द्वारा की जा रही है और महिला थाना अधिकारी को निलंबित किया गया। बूंदी शहर की एक परिवादिया ने, जिनका धारा 498A का मुकदमा अनुसंधानाधीन था थाना महिला थाना बूंदी में, वहाँ के जांच अधिकारी और थानाधिकारी शौकत खान इनके विरुद्ध कल एक शिकायत प्रस्तुत की थी, जिस शिकायत में इन्होंने कुछ आरोप लगाए थे उन पर। उन शिकायत की जांच के को देखते हुए एडिशनल एसपी बूंदी को इसकी जांच दी गई है और उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। आज उन्हीं परिवादिया ने एक एफआईआर भी इनके खिलाफ में दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर पृथक से एक एफआईआर भी धारा 354 के तहत दर्ज की जाकर के अनुसंधान एडिशनल एसपी द्वारा ही किया जाएगा। अधिकारी के विरुद्ध कोतवाली में प्रकरण दर्ज हुआ, महिला द्वारा छेड़छाड़ से संबंधित प्रकरण दर्ज करवाया, इस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। अनुसंधान श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जा रहा है। कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है? मुकदमा महिलाओं से छेड़छाड़ से संबंधित है, 354 वगैरह। तो महिला ने दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करवाया था महिला थाने? ये मेरे को जानकारी नहीं, पर महिला थाने दर्ज करवाया है उसने, उसकी जांच से संबंधित मामला कोतवाली पुलिस की तरफ से अब क्या कार्रवाई की जाएगी? कोतवाली की तरफ से तो मुकदमा दर्ज किया गया, अनुसंधान अधिकारी श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय। तो महिला ने क्या आरोप लगाए सीआई साहब पे? सीआई साहब पे महिला ने क्या आरोप लगाए? छेड़छाड़ से संबंधित है और वीडियो कॉलिंग की बात बता रही है।